Good morning, everybody. Myself, Komal Sahni, Senior Lecturer, CDDM, Government Women's Polytechnic College, Ajmer. Aaj ka mera topic hai, how to read a ruler or a scale. Sabse pehle, dekhi, maine yahan pe isko display kar rakha hai. Aaj main aapko ye bataungi ki actual mein ruler kya hota hai aur ye hamare har cheez mein kaam aata hai. ये एक मेजरिंग डिवाइस है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज अ रूलर. तो रूलर के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जो रूलर है, इट इज अ डिवाइस, इज अ डिवाइस विथ मेजरमेंट मार्किंग्स ऑन इट एंड यूज्ड फॉर मेजरिंग. इट इज यूज्ड इन मैथ्स, कंस्ट्रक्शन, architecture, sewing, landscaping and more. And अगर हम इसको यूँ दूसरे शब्दों में देखेंगे तो a ruler is a strip of a wood, metal or other materials having a straight edges and usually marked off in inches or centimeter and used for drawing lines, measuring etc. Now you can even say there are several types of rulers, including wooden or metal rulers, yardsticks bhi hoti hain, seamstress tapes hoti hain, measuring tapes hoti hain, carpenter rulers hoti hain, architect scales hoti hain, and rulers have measurement in imperial and metric. Imperial ka matlab hota hai inches. Imperial hoti hai inches mein, because इम्पीरियल इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये यूके में फॉलो किया जाता है, यूनाइटेड किंगडम्स में. और मेट्रिक जो होता है वो ज़्यादा प्रिसाइज्ड होता है, देख सकते हैं. ठीक है, अब हम पहले हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड इम्पीरियल मेजरमेंट्स क्या होते हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड मेट्रिक मेजरमेंट्स. हम ये दो चीज़ें, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जब भी अपने ड्राफ्ट्स बनाते हैं या ड्राइंग्स करते हैं तब हमारे इस स्केल का प्रयोग सबसे अधिक होता है. अब आप देख सकते हैं कि अब हम सबसे पहले यूजिंग अ रूलर में हम स्टैंडर्ड इम्पीरियल मेजरमेंट के बारे में नॉलेज लेंगे. तो ये देख सकते हैं आप, ये इम्पीरियल में इंचेस को इंक्लूड किया जाता है और मैट्रिक में सेंटीमीटर्स आता है. तो इम्पीरियल्स में आप ये देख सकते हैं 1 inch, 2 inch, हमने ये सारे 12 inches मार्क कर रखे हैं. ठीक है, अब हमने इसको थोड़ा सा बड़े फॉर्म में इसको स्पेसिफाई करने के लिए बताया आपको. तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो स्केल पे मार्किंग है, हमने इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर दिया है. तो मार्किंग ऑन अ स्टैंडर्ड रूलर रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन ऑफ एन इंच. तो 0 to 1 इज 1 inch और इसको 8 फ्रैक्शन में डिवाइड किया. देखिए पहले तो हम 8 फ्रैक्शंस पढ़ेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 फ्रैक्शंस. बट इंच कैन ऑल्सो बी फ्रैक्शन इनटू 16 पार्ट्स. कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 आधे में 8 है, देन अगेन 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. तो टोटल, इन टोटल इट कैन बी यूज्ड इन 8 फ्रैक्शंस कैन आल्सो बी यूज्ड एंड इवन मोर प्रिसाइज्ड करने के लिए 16 फ्रैक्शंस को भी हम यूज कर सकते हैं अपने मेजरमेंट्स में. तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे ये मेजरमेंट्स जो होते हैं, ये किस तरह से 1 inch को हमने फ्रैक्शंस में डिवाइड किया है. अब आप ये देख सकते हैं कि दिस यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है वो 1/8 फ्रैक्शन, जिसे हम एक सूत भी कहते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया 1/4, 1/8 and 1/4. तो 1/4 कैसा हो गया? पूरे 1 का 1/4, यानी 8 का 2 parts. जब 2 parts यानी 2/8 हो जाता है तो वो 1/4 हो जाता है. ठीक है, फिर उसके बाद आता है 3/8, फिर 4/8 जो होता है वो हाफ में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए
क्योंकि इसमें फोर पार्ट्स आ जाते हैं, इसलिए ये फोर इधर इस साइड रह जाते हैं और फोर इस साइड. इट मेक्स अ हाफ हाफ इंच, 1/4 इंच, हाफ इंच. देन दिस इज अगेन 5/8 इंचेस, देन 3/4, 3/4 विच इज 6/8 इंचेस, इट विच फॉर्म्स 3/4. 3/4 कैसे हुआ, क्योंकि इसमें सिक्स फ्रैक्शंस इंक्लूड होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सिक्स फ्रैक्शंस मेक्स 3/4 इंच. देन कम 7/8 एंड देन फाइनली 1 इंच. इसी तरह से ये जो हमारा है 1/4 इंच में कितने आ गए, 2 फ्रैक्शंस आ गए, हाफ में 4 फ्रैक्शंस आ गए, 3/4 में 6 फ्रैक्शंस एंड 1 इंच में टोटल 8 फ्रैक्शंस को हम इंक्लूड करेंगे. इसी तरह से जब हम 16 का लेते हैं, 1/16, तो 1/16 हो गया आपका, फिर ये 2/16 विल बी 1/8 हो गया, 3/16, 5/16, 7/16, 9/16, 11/16, 13/16 एंड 15/16. अब आप 1/16 और जब 2/16 होता है विच बिकम्स 1/8, देन 4/16 बिकम्स 1/4, आप ये देख सकते हैं, एंड देन 6/16 बिकम्स 3/8, 7/16, देन 8/16 बिकम हाफ, एंड 9/16 5/8 विच इज 10/16 विच इज 5/8 inches, then 11/16, then 3/4 is how many fractions are there in a 16, आप देख सकते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपके 3/4 में आ गए. ठीक है, तो 12/16 विल बी 3/4, 3/4 inch हो जाएगा. ठीक है, then 13/16, then 7/ विल बी 14/16 है, then 15/16 एंड फाइनली 1 inch. इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये किस तरह से इसको मेजर किया जाता है. ठीक है, तो हम इनको इस तरह से 1 inch को मार्क करते हैं, जैसे कि 1/16, 1/8, 3/16, 1/4 inch, 5/16 inches, 3/8 inches, 7/16 inches, 1/2 inches, 9/16 inches, 5/8 inches, and 11/16, 3/4 inch, 13/16, 7/8 inches, 15/16 inches, and finally 1 inch. ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको 16 फ्रैक्शंस में भी डिवाइड किया और हमने इसको 8 फ्रैक्शंस में भी डिवाइड किया है. अब हम देखेंगे कि यूजिंग अ रूलर मेट्रिक मेजरमेंट. अब मेट्रिक रूलर्स में क्या होते हैं, सेंटीमीटर्स होते हैं. आप ये देखिए स्केल्स पे एक साइड पे ये सेंटीमीटर्स हैं, तो ये देख सकते हैं 1, 2 हमारा 30 सेंटीमीटर तक है. ठीक है, तो मेट्रिक रूलर्स में क्या होता है, मिलीमीटर्स, इट इज डिवाइडेड इनटू 10 फ्रैक्शंस एंड ईच फ्रैक्शन, दीज फ्रैक्शंस आर नोन एज मिलीमीटर्स. ठीक है ना, तो ये क्या है, ये जो बड़े फ्रैक्शंस हैं दीज आर नोन एज सेंटीमीटर्स एंड दी स्मॉल वंस आर नोन एज मिलीमीटर. तो स्मॉल जो टिक्स हैं मेट्रिक रूलर्स पे, जो ये टिक्स कहलाते हैं, इनको कहते हैं मिलीमीटर्स. सो हर एक सेंटीमीटर में देर आर 10 मिलीमीटर्स इन अ सेंटीमीटर. सो देर आर, आप देख सकते हैं 9 मिलीमीटर टिक्स होते हैं, 9 मिलीमीटर टिक्स होते हैं, और स्पेसिंग जो होती हैं वो 10 होती हैं. आपने ये देखा होगा, बिटवीन ईच सेंटीमीटर देर इज अ 1 टिक. ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इंचेस को हम किस तरह से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 2 इंच है तो मैं इसे डिनोट करूँगी 2IN ऐसे, या फिर हम कोई सिंबल यूज करेंगे इस तरह से. ठीक है, जिसे हम कहते हैं डबल प्राइम, दिस इज नोन एज
double prime. ये डबल प्राइम कहलाता है, या फिर इसे हम डबल कोट भी कह सकते हैं। डबल कोट भी कह सकते हैं। तो ये जो साइन है, दिस इज अ डबल कोट और अ डबल प्राइम। दीज आर ऑल्सो नोन एज अ यूनिट मार्किंग्स है। तो ये अगर अपन इसको मार्क नहीं करते हैं तो टू कैन बी, इट कैन बी अ नंबर ऑल्सो। यू कैन नॉट राइट दिस वे कि ये टू है, तो टू का मतलब नंबर भी हो सकता है, बट क्या वो हमें बताना होगा। तो व्हाट विल बी दिस, वेदर इट इज अ नंबर और इट इज सम शोइंग सम मेजरमेंट। तो वो जो मेजरमेंट को हमको डिनोट करने के लिए वी हैव टू यूज दिस सिंबल्स। ठीक है, अगर ये 2 सेंटीमीटर्स हैं, अगर हमको सेंटीमीटर्स में है, तो वील बी यूजिंग अ स्मॉल लेटर सी एम। यू कैन नॉट यूज अ बिग कैपिटल लेटर्स बट अ स्मॉल लेटर सी एम विच सेज सेंटीमीटर, विच इज नोन एज सेंटीमीटर। तो अब हमें ये समझ में आएगा कि 2 इंच है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, 2 सेंटीमीटर है तो इस तरह से हमें उसे डिनोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंबल्स आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, तो इस चीज़ का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और स्टैंडर्ड रूलर हमारा है जो कि 12 इंचेस का है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं 30 सेंटीमीटर होता है। और 1 इंच इज इक्वल टू, अगर हमें कभी भी कन्वर्जन करना हो तो 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4.24। और अब हमें 2 इंचेस में अगर हमको फाइंड आउट करना है, सो देयरफॉर अगर उसे हमें सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है तो इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। तो जैसे हमारा आंसर आ जाएगा 5.08 सेंटीमीटर्स। तो मैंने 2 इंचेस को जब कन्वर्ट किया है सेंटीमीटर्स में तो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2.54 सेंटीमीटर्स। ये भी ध्यान रखना है कि नेवर मल्टीप्लाई बाय ओनली 2.5। समटाइम्स सम पीपल्स व्हाट दे डू, दे जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2.5 सेंटीमीटर विच इज रॉन्ग। सो नेवर डू दिस, हमेशा 2.54 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी द राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 5.1 सेंटीमीटर। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आंसर आएगा। ठीक है, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, क्योंकि हमको क्या होता है, बिकॉज जब भी हम कोई गारमेंट बनाते हैं तो हम इंचेस से सेंटीमीटर में उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर से इंचेस से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है, तब हम 2.54 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमारा जो है सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें सारे मेजरमेंट्स को अगर हमें कन्वर्ट करना है, वी वॉन्ट अगर इंचेस को कन्वर्ट करना है 1 इंचेस में, तो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट मल्टीप्लाई बाय 2.54 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।